पहले आप बता दीजिए कि कितने तरीके से सिमिलर, कैसे हम पहचानेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं? देखिए, कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखिए सिमिलरिटी, अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो हम देखते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी क्या क्या क्राइटेरिया खासियत है देख लें। कि अगर दो ट्रायंगल, जैसे ये हैं हमारे दो ट्रायंगल, हम मेजरमेंट टेप लेके बैठा नहीं हूँ, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन मान के चलते हैं ये क्या है, सिमिलर। अब ये हमारा दो ट्रायंगल है, नेमिंग कर दें आप कि हमारा ए बी सी, मैं कर दे रहा हूं बिल्कुल। देखें कंडीशन क्या है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, पहली चीज सिमिलर है तो क्या होता है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, यानी ए बी इस साइड का और ये अपॉन पी आर क्या होगा, ए बी अपॉन पी आर इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी क्यू, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ए सी अपॉन पी क्यू क्यू के बराबर। समझ में आया कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो बराबर, वो इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा चीज ये है कि इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, हाँ। क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग बराबर होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर होंगे, मतलब ये आपका ए था, एंगल ए एंगल पी के बराबर, ये एंगल ए एंगल पी एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल बी एंगल आर के बराबर, एंगल बी एंगल आर के बराबर, और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर। हाँ देखें, ये दो चीजें, देखिए छह चीजें हमें मिलती है, अगर कोई तीन चीजें सिमिलर है तो हमें छह चीजें मिलती है, वो क्या क्या, तीन करेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई और तीन हमारे एंगल हो गए। हमने कहा सिमिलर का मतलब क्या है, छोटा बड़ा, जो साइज का छोटा बड़ा हो जाना, ये नहीं कि इसके फोटोकॉपी नहीं रहेगा, फोटोकॉपी हम 9th में पढ़े हैं जिसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने बताया था पांच टेस्ट होता है, वो यहां हम डिस्कस करने वाले नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी दिखाने के लिए कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये तो मैंने बना दिया, अब कहीं आप कैसे पहचानोगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, उसके लिए हमें सिर्फ तीन टेस्ट पढ़ना है। अच्छा, टेस्ट बिल्कुल टेस्ट पढ़ना है हमें, कैसे यहाँ पे लेबोरेटरी तो है नहीं, लेकिन ये है कि मैथमेटिक की अगर सिमिलरिटी की है, लेबोरेटरी ही है, सही है सही, क्योंकि आपको बुखार है, मुझे मलेरिया हो गया, तो जाहिर सी बात है टेस्ट कराते हैं आप, तो ऐसे भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके भी टेस्ट है, कंडीशन है कि ऐसा होगा तभी सिमिलर होंगे, बिल्कुल तभी ये सिमिलर होंगे, ऐसा नहीं कि देख लिए, ऐसा नहीं कि देख लिए ऐसा दिख रहा है ऐसा दोनों सिमिलर है, ऐसा नहीं होगा, नहीं, ठीक है, आपके फेका फेकी से काम नहीं कर चलने वाला, अब यहाँ पे ओरिजिनल टेस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल तीन तरीके से, अब दो भाई एक जैसे शक्ल मिलती है तो क्या उनके हरकत भी मिलते जुलते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से हैं। टेस्ट क्या क्या है, हमसे तीन टेस्ट हमने बताया था आपको, पहले डिस्कस किया था तीन टेस्ट, कौन कौन से, एंगल 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 टेस्ट, यानी एंगल 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 टेस्ट को आप एंगल एंगल टेस्ट भी बोलते हैं, एंगल एंगल को यहाँ पे बिल्कुल, एक होता है हमारा साइड एंगल साइड टेस्ट, एक होता है हमारा साइड 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 टेस्ट, मतलब ये तीन यहाँ पर हम साइड को कंपेयर करेंगे, अगर साइड आपस में बराबर होंगे तो बिल्कुल, और यहाँ पे साइड और एंगल दोनों का यूज करेंगे, बिल्कुल, और यहाँ पर एंगल एंगल का यूज करेंगे। देखिए मिलेगा आपको हमेशा छह रिलेशन, वो हमेशा दिमाग में रखिए आप, कई बार पूछता भी है क्वेश्चन में कि अगर आपको ये तीनों एंगल इक्वल है तो इनके करेस्पॉन्डिंग रेशियो आप लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हाँ 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 बताइए, चले अब ये दिया है आपका फिगर, हमें वही कर रहा हूं, कोई नया नहीं बना रहा, चलिए ये हम आपका ए बी सी और ये आपका है पी क्यू आर, अब हम लोग कौन सा टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, एंगल 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 टेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एंगल एंगल टेस्ट भी लिखते हैं, तो लिख लिख दिया हूं इसको साइड एंगल साइड, इसको साइड साइड साइड, मैं सब छोटी चीजें जानते हैं आप। देखें ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की सिमिलर कब होगा, पहली क्राइटेरिया क्या है कि इनको तीनों एंगल क्या हो बराबर, मतलब एंगल ए क्या है, एंगल ए एंगल एंगल पी के क्या हो बराबर बराबर हो,
ध्यान रहे इसमें करेस्पॉन्डेंस का खास ख्याल रखें, ये नहीं कि आपने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी तो आप कह दीजिए कि पी आर क्यू बराबर है, बिल्कुल नहीं। जब ये लेंगे तो जब आपको ये एंगल इसके बराबर है मतलब एंगल ए एंगल पी के ही बराबर है, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर नहीं है। ये मतलब कंपेयर करेंगे तो जस्ट जैसे ये पीक वाला तो पीक वाले पीक वाला, ये इधर वाला तो इधर वाले, राइट वाला तो राइट वाले। कई बार नेमिंग बदल देता सर, ऐसे दे देता है। फिलहाल मैं पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लूं, उसके बाद बता दूंगा उस टाइप के कैसे आ सकते हैं। देखिए एंगल ए एंगल पी के बराबर और एंगल बी तो एंगल आर के एंगल बराबर, आर के बराबर दिया है अगर तो आपको देखिए किसी भी ट्रायंगल में इसको एंगल एंगल टेस्ट क्यों कहते हैं, इसको एंगल 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 टेस्ट क्यों नहीं कहते, वो इसलिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है, किसी भी ट्रायंगल में ये दोनों एंगल क्या है बराबर है तो तीसरा खुद बराबर होगा। वो क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ये बात है ये बोल रहा हूँ 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, मुझे नहीं मालूम एंगल सी कितना है, तो हमने पढ़ा है सम ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना होता है 180। तो आपको एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी कितना होगा 180। ये 30 ये 60 यहाँ लिख लो 30 प्लस 60 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल सी आएगा 180 माइनस 90, एंगल सी कितना आएगा आपका 90। और आपने कहा कि ये इसके बराबर है ये 30, ये इसके बराबर है ये 60, तो ये भी कितना आएगा ऑटोमेटिक, ये अलग बात है 90 है नहीं, ये समझाने के लिए बात हो रही है, ये समझाने के लिए बात हो रही है 90 है नहीं। नहीं तो आप सोचो सर आपने कौन सा बना दिया, 90 है ही नहीं, वो तो 30 45 दिख रहा है। मैं समझा रहा हूं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, ये दोनों के बराबर हैं, तो ये खुद बखुद क्या होंगे बराबर, ये इसके बराबर होगा। समझ में आया? इसीलिए इसको कहा जाता है एंगल एंगल टेस्ट। हाँ, मतलब सीधा सीधा बात यह है कि अगर दो ट्रायंगल को अगर हमें मेजर करना है, दो ट्रायंगल को अगर देखना है कि सिमिलर है कि नहीं, तो अगर आप चाहो तो सबसे पहले क्या कंपेयर करना होगा कि भाई एंगल को कंपेयर करना होगा। बिल्कुल, अगर ये एंगल दो एंगल कोई भी आपस में, जो ये एंगल ये हो, जो एंगल ये है, जो ये है वो ये है, अगर ऐसा हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक ये वाला इसके बराबर हो जाए करेगा। इसलिए इसका नाम ट्रिपल ए टेस्ट बोलो या डबल ए टेस्ट बोलो, क्योंकि एंगल एंगल को जब आप दो एंगल आपस में जो बराबर होंगे उनका रेशियो सॉरी उनका जो है दो एंगल एक जैसे अगर होंगे दो एंगल जो ट्रायंगल के अंदर, तो तीसरा ऑटोमेटिक उसके जैसा आने ही वाला है। बिल्कुल 100% यही करने का मतलब है। देखें अब हमने बता दिया कि भाई ये एंगल इस ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के क्या है बराबर है, ना ये एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, देखे लिखते टाइम करेस्पॉन्डेंस का खास ख्याल रखें, ए बी सी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या यहां जब लिखेंगे तो आप कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। देखें एंगल ए लिया आपने फिर आप बी लिए, यानी पहले से दूसरे वाले एंगल की तरफ, सिंपल ऐसे समझे, यहाँ एक डॉट हमने एक हमने किया था यहाँ दो कर दिया था कि आपको पहचानने में आसानी हो, ये नहीं कि आप पी क्यू आर लिख दें आसानी से, नहीं हमने ए लिया तो यहाँ पी लिया, ए के साथ क्या लिखेंगे आप पी, ए के साथ क्या है पी, अब बी के साथ देखिए डबल डॉट कहाँ है आर, आर तो यहाँ लिखिए आर, बाकी आप तो बच ही रहा है क्यू वो तो बराबर हो गए। अब हमने कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, अब अगर इसमें कोई इसका रेशियो दिया होता 2, 3, 5 जो भी दिया रहता है अगर रेशियो इनके देता है, तो हमने बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो अभी दो मिनट पहले मैं बात किया हूं यहाँ पे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन पी आर इक्वल होगा बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन बी क्यू पी क्यू और क्या सुनना है। तो ये टेस्ट है हमारा किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए, पहला टेस्ट हमारा होता है एंगल एंगल टेस्ट। अच्छा यही है, मैं जैसे क्लियर कर दूं, कुछ लोग इसी में मिस्टेक करते हैं अक्सर मैंने देखा है, वो कन्फ्यूजन यहाँ दूर कर दूं। जैसे मैं बोलूं आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एंगल ए बोल दे कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, बोल दे कि एंगल ए एंगल क्यू के क्या है बराबर है, बराबर है मान लो ये वाला और ये वाला, और एंगल बी जो है वो इक्वल है किसके एंगल पी के, तो आप बताएं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो देखें इसको कैसे करेंगे, आप देखें क्या दिया है कि एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर, एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल बी एंगल बी एंगल पी के बराबर है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल क्या है एक जैसे है तो तीसरा बराबर होगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है।
यानी ये बराबर होगा। अभी यहां मैंने जस्ट बताया है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे लिखेंगे करेस्पॉन्डेंस का रेशियो कैसे लिखना होता है, क्योंकि आप लिखेंगे ए बी सी पी क्यू आर गलत हो जाएगा। यो मैं समझाना चाह रहा हूं कि लिखते कैसे हैं, वो चीज यहां इंपॉर्टेंट है। देखिए एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए क्यू के, तो यहां अच्छे सिमिलरिटी का सिंबल लगा ले, एंगल क्यू लिख दे, सिंपल एंगल क्यू हो गया। ए के साथ क्यू, बी के साथ पी, पी यहां बी लिखिए, यहां क्या लिखेंगे आप पी, पी। और यहां सी के साथ जो तीसरा बचा है वो क्या हो जाएगा हमारा, यानी ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, क्यू पी आर के, ना कि पी क्यू आर या आर क्यू पी के। समझ में आया ना? हाँ, मतलब चीज दो एंगल को अगर सिमिलर हमें दिखाना है तो उसका क्या तरीका होता है लिखने का, लिखने का तरीका कैसे होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आप जब ये बता रहे हैं ट्राइंगल होगा ना सर, ट्राइंगल, हाँ जी बिल्कुल, हाँ ये ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ए बी सी, कैसे पता चलेगा आप सिमिलरिटी का पता कैसे लगाएंगे, ये चीज है कि देखो ये और ये सिमिलर है, बी और पी सिमिलर है, सी और आर सिमिलर है, जैसा दे रखेगा वैसे ही फॉलो करना, ये नहीं कि मतलब आप अपने हिसाब से रटे रहो ए बी सी पी क्यू आर, तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि जब तक आप इसको टेस्ट, जब तक आप टेस्ट नहीं बता दिया, जैसे हमने कहा ना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल एंगल टेस्ट है, मैंने टेस्ट बता दिया यहाँ पे, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं बता रहे होते वहां आप लिख लीजिए कुछ भी लीजिए ना, एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कुछ भी लीजिए, आप दोनों ट्रायंगल किधर नेमिंग कर दीजिए, लेकिन जब आप इनको करेस्पॉन्डिंग रेशियो में लिखना है, सिमिलर बताना है, सिमिलरिटी, तो आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूँ इस चीज का खास ख्याल रखना है, बाकी कुछ नहीं। सिमिलरिटी दूसरा है, ये हो गया हमारा एंगल एंगल टेस्ट। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिगर यही रहने देंगे, इसी फिगर से आपको सारी कहानी समझा दी जाएगी। तो दो एंगल अगर सिमिलर होंगे तो बार बार ये बोला जा रहा है कि उनके साइड, उनका जो रेशियो होगा साइड का, ये रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा, लेकिन सिमिलर कैसे पता चले कि सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए एंगल एंगल टेस्ट हो गया या ट्रिपल एंगल टेस्ट बोलो, क्योंकि जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो ये पहला टेस्ट हमने चेक करके देख लिया, सारा चीज बता दिया, ठीक है। उसके बाद साइड एंगल साइड जो है टेस्ट हम लोग देखते हैं। यस, वही फिगर है, थोड़ा गंदा हो गया था, सोचा सही कर दूं। ठीक है, दो एंगल दो ट्राइंगल है, आपस में सिमिलर है कि नहीं ये देखना है। बी सी पी क्यू आर, या पी आर क्यू ले लें, जो कि आपने आर लिया था ना यहाँ पर, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये लीजिए। बिल्कुल, हाँ चले। अब साइड एंगल साइड टेस्ट कैसे, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो टेस्ट आपको जानना है इस तरीके से। देखें कभी भी ट्राइंगल में ऐसा हो कि ये साइड, ध्यान दें ये साइड क्या है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, समझ में आ रहा है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, साइड एंगल, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो। ध्यान दें, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, अब इतना इजी तो नहीं दिया जाएगा कि आप आसानी से पहचान लो, घुमा के दिया जाएगा, एक ही ट्रायंगल में एक ही ट्रायंगल के तीन चार पार्ट ऐसे ऐसे करके दिए, बोले ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है या नहीं, वहां आपको पहचानना मेन है। ये तो आपको समझा रहा हूँ कि टेस्ट कैसे, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं। देखें कई ऐसे हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, हम कहे ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्यों है, जब सिमिलर कब होंगे, जब इसका ए साइड यानी ए बी, ए बी अपॉन पी आर भी कह सकते हैं आप, कि ए बी अपॉन पी आर का रेशियो इक्वल हो किसके, बी सी अपॉन आर क्यू के, बी सी अपॉन आर क्यू के, और हमने कहा ये एंगल बी एंगल आर के इक्वल, एंगल बी इक्वल हो किसके, एंगल आर के, यानी साइड का रेशियो एंगल और फिर साइड का रेशियो, यानी ये साइड के इक्वल, ये एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, या मैंने दोनों साथ में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो कि इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, बीच में हमारा क्या है एंगल है, तो साइड ये हो गया हमारा साइड, ये हो गया हमारा एंगल, तो ये हमारा साइड, साइड एंगल साइड, यानी किसी भी दो ट्रायंगल में अगर सिमिलर है तो कैसे होंगे, जब इनका ये साइड का रेशियो इक्वल हो ये साइड के रेशियो से, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, और इस साइड का रेशियो अपॉन इस साइड का रेशियो, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं सर, यहां पे जो ये एंगल है ये जो साइड है अपना, मान लो 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 होना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, ये सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है, रेशियो में हमने बात किया है। अच्छा अच्छा, रेशियो करेस्पॉन्डिंग रेशियो की बात कर रहे हैं सर, कि ये 10 है तो ये 10 होना जरूरी है, हम सिमिलरिटी में हमने क्या पढ़ा है, साइज छोटा बड़ा हो जाएगा चलेगा, लेकिन
इसके जैसा होना चाहिए। उसके मतलब जो इसका इसका रेशियो, हाँ, और उसके बाद इसका इसके रेशियो, रेशियो, ये आपस में बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि मतलब जितना ये है उतना ये होगा। ये हमने तो पढ़ाया नहीं सिमिलरिटी, हाँ। हमने पहले बताया कि सिमिलरिटी का मतलब ये बताया है कि साइज का छोटा बड़ा चलेगा। यदि ये मार्कर में बताया था कि ये मार्कर दोनों बराबर है, सिमिलर भी है, कांग्रेंट भी है, लेकिन ये दोनों एक जैसे हो गए, एक मार्कर और ले लिया मैंने, अब मैंने कहा दोनों सिमिलर है तो क्या अब ये साइज का छोटा बड़ा नहीं चलेगा? सिमिलर है, साइज का छोटा बड़ा कुछ मैटर, उसके मतलब इसका इसके रेशियो और इसका रेशियो, दो लोगों का रेशियो साइड का मिल जाए और एंगल भी इत्तेफाक से उनके बीच बिल्कुल जो एंगल वो सेम हो, एंगल बिल्कुल, एंगल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, एंगल के साथ कंप्रोमाइज नहीं। देख ये हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी आर क्यू, PQR नहीं लिखेंगे, PRQ लिखेंगे, जैसे आप उसको लिख रहे हैं वैसे इसको भी लिखेंगे। बिल्कुल, इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये समझ में आ गया आपको, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलें और आगे देखें, एक आखिरी टेस्ट, साइड 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 साइड, ये सबसे इजी टेस्ट है, सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल सबसे आसान टेस्ट यही है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, एक तरीके से इक्वल भी हो सकती है, नो डाउट। सिमिलरिटी में हमने ये भी पढ़ा है कि इक्वल भी हो, साइज क्या है, मे बी डिफरेंट हो सकता है, साइज अलग है, साइज सेम आ जाए तो क्या कर देंगे, बिल्कुल सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात, कुछ डाउट की बात नहीं है। चले ये हमारा हो गया, ये हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल पी आर क्यू जो भी है, पी क्यू आर जो भी है, कहते आपसे कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बशर्ते ये कि ये साइड अपॉन ये साइड का रेशियो कहते हैं आप, या ये साइड का रेशियो ये साइड के रेशियो और ये साइड का रेशियो ये साइड के रेशियो के बराबर हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये टेस्ट सबसे इजी है, बहुत जगहों पे देखने को मिलता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी भी कि ट्रायंगल अगर आपको दिया गया है, एक दे रखा है उसी का छोटा बड़ा भाई इधर है, तो बस इसका और इसका बिल्कुल रेशियो और इसके इसके रेशियो के और इसके इसका रेशियो के बराबर होना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है सर आपका, कि अगर यही इसी इसी को मैं बता दूं कि ये टू है, ये टू है और ये साइड रेशियो आपको दे दिया गया है फोर, ये आपको थ्री दिया है, ये आपको दे दिया सिक्स, ये आपको फोर दे, ये आपको दे दे एट, एट अब कहे कि आप बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपका हो गया सिमिलर तो नहीं दिख रहे हैं, ये दो है ये चार है, सिमिलर है ये, क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया है, इनका रेशियो अपॉन इनका रेशियो, देखिए आप ए बी जूम आउट कर दिया गया, बिल्कुल जूम आउट ए बी अपॉन पी क्यू, और क्या होगा बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू, और क्या होगा ए सी अपॉन पी क्यू, पी क्यू ए सी अपॉन पी क्यू। अब देखें ए बी आपका कितना है टू, टू बी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है फोर, ये कितना है आपका थ्री, ये कितना है सिक्स, ए सी कितना है आपका फोर, पी क्यू कितना है एट, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वन अपॉन टू, थ्री वन जा टू, थ्री टू जा सिक्स, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, देखो ना वन अपॉन टू इस टू, वन अपॉन टू इस टू, वन अपॉन टू आ रहा है, इनका रेशियो क्या है तीनों जगह बराबर आ रहा है, यानी इसका समझ लो ये बड़ा भाई है छोटा भाई वाला हिसाब किताब है, समझे, तो इनका रेशियो अपॉन इनका रेशियो इक्वल है, इसके रेशियो अपॉन इसके रेशियो के, और ये रेशियो इसके बराबर है, यानी हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। कभी दो ट्रायंगल ऐसे दिए गए और उनकी साइड का रेशियो अगर तीनों साइड का रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये तीनों ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर सिमिलर है। सिमिलर में ये बात समझ में आ गई भाई कि सिमिलर में आपको सिमिलरिटी टेस्ट करने के लिए तीन तरीके से टेस्ट किया जाता है, रेशियोज में चेक किया जाता है, रेशियो में कमाल का है, एंगल में तो एंगल सेम होना चाहिए, उसमें रेशियो का कोई झंझट नहीं रहता है, लेकिन जो है साइड में साइड का रेशियो बराबर होता है, और सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया आपने देख ही लिया कि जो इनका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा बराबर ही बराबर, यस।